वी कंटिन्यू विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेलरेशन फील्ड पहले हमने इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखा वेलोसिटी कम्पोनेंट्स के यू वाई डब्ल्यू के पार्शियल डेरेवेटि डेरेवेटि कैलकुलेट किए लेकिन अगर हमने उसको कंबाइन करना हो और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर द वेक्टर ए द एक्सलरेशन एज़ रिटन एज टोटल डेरेवेटिव ऑफ वलासिटी डी वी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ वलासिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ़ देर इज अ वेरिएशन ऑफ टाइम एंड देर इज अनस्टडी मोशन प्लस द वलासिटी वी डॉट डेल एज वी कॉल इट इन टू वी तो ये कंबाइंड फॉर्म है वो तमाम एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ वलासिटी पार्शियल डेरेवेटिवस के अगर आपको याद हो जिस तरह से ये डी वी बाई डी टी पार्शियल डेरेवेटिव हमने टाइम के लिए निकाला इसी तरह इनमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वेलोसिटी के भी और डेल इट्सल्फ इज ए कम्बाइंड वे ऑफ राइटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्क्राइब uh, किया हुआ है कि वेयर द वक्टर डेल इज़ कम्बाइंड फॉर्म ऑफ डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड इन दी रिस्पेक्टिव आई जे के फॉर्म्स और ये जाहिर है आई जे के स्टैंडर्ड यूनिट वैक्टर्स हैंक्स वाई जेड फॉर्म में सो so ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ वदर वी आर कैलकुलेटिंग देखिए हम बात कर रहे थे फील्ड वेरिएबल्स की फील्ड वेरिएबल्स में बात हुई प्रेशर की वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की फिर उनको हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लिखा फिर उनको अगर हमने कंबाइन किया और वेक्टर फॉर्म में लिखा तो एक शॉर्ट फॉर्म में ये भी एक आसान तरीका है बिकॉज इट मेक्स इट कन्वीनियंट लेकिन एक्चुअली इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इट हैज सेवरल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स सो so, वो तमाम कंपोनेंट्स जो हमने बजाय इसके के बहुत लंबी इक्वेशन हम लिखे यू कैन सी दैट वी कैन कम्बाइंड एट लॉट मैनी टर्म्स इंटू वी डॉट डेल ब्रैकेट क्लोज विद इन द ब्रैकेट्स एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अप्लाइंग ऑन एट द वैक्टर कंपोनेंट वैक्टर वी तो इस वी में ये रिस्पेक्टिव हैं यू इंटू डेल्टा डी वी वाई डी uh, एक्स ये एक्स आई डायरेक्शन में होगा या एक्स डायरेक्शन में होगा एंड सिमिलरली दर रिस्पेक्टिव पार्शल डेरेवेटिव जो यहाँ दिए हुए हैं तो दिस इज़ ओनली ए वे ऑफ राइटिंग थिंग्स इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए और हमारी अपनी याद दहानी के लिए यू कैन सी दैट द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सलोरेशन इज ए ऑफ एक्स एंड एज ए होल That is equivalent to partial derivative of u by with respect to time t plus u times partial derivative of u with respect to x plus v into partial derivative of u with respect to y. Ax may right hand side pay all the way u component i that is. द वॉस्टी फ्लक्चुएशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन एक्स डायरेक्शन जब हम वाई की बात करते हैं वाई कंपोनेंट की तो वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन में ऑल द वे वाई कंपोनेंट ऑफ वलॉसटी आ रहा है सो वी विल हैव पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ़ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू इंटू पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी इंटू पार्शल डेरेवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड शुआम so तो ये इसकी फुल डिस्क्रिप्शन है एंड यू कैन सी के ये इतनी लंबी एक्सप्रेशन बनती है और अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा वी राइट इट ए वेरी शॉर्ट फॉर्म लेकिन अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करें तो हमें इतनी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी और ये सारी टर्म्स उस एक लाइन में शामिल है सो दैट इज़ द एडवांटेज सो The first term in A dv by dt is equal to partial derivative of velocity with respect to time is called local acceleration and it becomes non-zero for unsteady flow. the yani, flow time vary varying na inkara, so that term will simply disappear and we will only have v into, so this will go. If it is unsteady flow or V dot del into V, three terms raja johamne calculate karni hai. may depending upon the variation in different directions, we will determine uh, what terms exist and what do they appear. The second term called advective acceleration and accounts for the effect of fluid particle moving to a new location. In the flow where the velocity is different, so if velocity change is acceleration exists. Carrying the is that velocity change is So, Uski representation, dv by dx, the partial derivatives, will result in non-zero values only if acceleration exists, and all of this collectively is represented by v dot del into v. एंड दिस इज नोन एज एडवेक्टिव एक्सलोरेशन इन अवर इक्वेश मोशन उसके बाद हम आते हैं मटीरियल डेरेवेटिव पर मटीरियल डेरेवेटिव भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमें बार बार यूज करनी पड़ती है इस फ्लूड इन दी ऑफ फ्लूड्स सो स्पेशल नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस टर्म द टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर d by dt is called the material derivative and sometimes it is denoted by capital D by capital Dt. At times we write it as small alphabets, another time but it has the same meaning and this is equivalent to the material derivative d by dt is equivalent to partial derivative with respect to time plus v dot del. Remember that this operator is not being applied here on any term. So, yes, because this is the definition of material derivative. So, anytime we use this terminology, we would mean that we are referring to this term. Advective acceleration is non-linear and therefore. What happens is that whenever we are solving actual problems, real problems, calculating, computing or solving the equations that involve these nonlinear terms becomes that much difficult. As we can understand, it's much easier to solve linear equations and very difficult to solve nonlinear equations. However, Many methodologies have been developed to attack such problems as well. Material derivatives provide transformation between Lagrangian and Eulerian frame of references. Other names for the material derivative include total, partial, Lagrangian, Eulerian, and substantial derivatives.